सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने आपको एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कंप्लीट करा दिए थे, उसके बाद मैंने आपको क्लाइमेट के डेफिनेशन बारे में बताया था। ठीक है ना, ग्लोबल क्लाइमेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की, कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हर कोई जानता है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये एक फिनोमिना होता है जहाँ पर क्या होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है। ठीक है, और जो गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गया, मेथेन हो गई, ठीक है, ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर के चारों तरफ रहती हैं। ठीक है, ये चारों तरफ क्यों रहती हैं, जिससे कि हमारा जो अर्थ है वो क्या रहे, अर्थ के चारों तरफ क्या हो, गर्माई बनी रहे। ठीक है ना, तो ये जो गैसेस होती हैं ये सनलाइट को तो पास होने देती हैं, लेकिन जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ सरफेस से, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसेस का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा गैसेस का होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मेथेन ज़्यादा मात्रा में हो जाए, या CO2 ज़्यादा मात्रा में हो जाए, या वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो उससे भी क्या होगा, हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, स्पेशली इंक्रीज ग्रेट एनफ टू कोज चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कैसे किया गया है, कि जो टेम्परेचर है उसके अंदर इंक्रीज, अर्थ एटमोसफेयर का टेम्परेचर है उसके अंदर एवरेज इंक्रीज हो। ठीक है ना, और इतना स्पेशली इंक्रीज ग्रेट एनफ, इतना इंक्रीज हो जाए जिससे कि जो ग्लोबल क्लाइमेट में है उसको क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए। ग्लोबल वार्मिंग इज वैन द अर्थ हीट्स अप। ग्लोबल वार्मिंग कब, जब अर्थ क्या होती है, हीट करती है, जब अर्थ बहुत गर्माई रहती है। मैंने क्या बताया आपको, ग्रीन हाउस गैसेस का होना इंपॉर्टेंट है जिससे कि अर्थ के चारों तरफ गर्माई बनी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी गैसेज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर क्या हो जाएगा, काफ़ी गर्म हो जाएगा। इट हैपन्स वैन ग्रीन हाउस गैसेज CO2, वाटर वेपर, नाइट्रियस ऑक्साइड, मेथेन ट्रैप हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इन द अर्थ एटमोसफेयर विच इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब क्या हो गया, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जो कि हीट को ट्रैप करती हैं, और जो लाइट सन से आती हैं, और जो लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आती है, वो अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जो कि क्या बढ़ाती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। दिस हर्ट्स मैनी पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिससे कि बहुत सारे लोग हैं, जानवर हैं और प्लांट हैं, क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कॉजेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का जलना, जो जीवाश्म आधार होता है, जैसे कोयला हो गया, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन को कम करना, ठीक है, जैसे कि जो हमको O2 देते हैं वो कम हो जाए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सारी गैसेस क्या होगी, इंक्रीज होंगी, जैसे CO2 क्या होगी, इंक्रीज होगी। फार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस दैट इज यूज इन फर्टिलाइजर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इन टर्न लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है, ठीक है, जो कि जिसका यूज फर्टिलाइजर के अंदर होता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जिससे क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट और लैंडफिल से भी क्या होता है, हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, और क्या देखा है, इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन सीमेंट प्रोडक्शन, कॉमा फर्टिलाइजर्स, कॉमा कोल माइनिंग एक्टिविटीज, ये कोल माइनिंग है यहाँ पर, कोल माइनिंग, तो सही कर लेना इसको, दिस इज कोल माइनिंग, इसको आप सही कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोल माइनिंग, MINING, कोल माइनिंग एक्टिविटीज, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोड्यूस हार्मफुल GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो लैंडफिल्स फिल्ड विद गार्बेज प्रोड्यूस CO2 एंड मैथेन गैसेज, मतलब जो लैंडफिल्स होती हैं जिनमें गार्बेज भरा होता है, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन गैस प्रोड्यूस करती हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन के बेसिस पर देखा जाए। सो ग्लोबल वार्मिंग इज वैन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर एंड द ओशियन राइज। मतलब ग्लोबल वार्मिंग कब हो जाएगा, जब जो टेम्परेचर है अर्थ का, एवरेज टेम्परेचर जो किसके कारण पैदा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कारण पैदा होता है, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, किस किस का, अर्थ का और ओशियन का, ठीक है ना, एटमोसफेयर का और ओशियन का इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE इज द रिटेंशन ऑफ हीट बाय द ग्रीन हाउस गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अलाउिंग द प्लेनेट्स टेम्परेचर टू राइज।
मैंने बताया आपको ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, टेम्परेचर को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो जाती है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, राइजिंग सी लेवल, सी लेवल बढ़ जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन कमी हो जाती है, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, एसिडिफिकेशन, डिप्लीटेड फ्लड सप्लाई एटसेट्रा। मतलब जो वोल्केनोज हैं ये आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, एसिडिफिकेशन होता है, जो फ्लड सप्लाई है, जो बेसिकली हमारी फूड सप्लाई है, फ्लड नहीं है, फूड है, जो बेसिकली हमारी फूड सप्लाई है वो क्या होती है, डिप्लीट होती है। उसके बाद जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है वो ड्रॉट्स है, मतलब अकाल पड़ता है, फ्लडिंग है, बाढ़ आती है, मेल्टिंग ऑफ स्नो है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, नेचुरल कैलामिटीज़, राइजिंग सी लेवल एटसेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कॉजेज़ क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉजेज़ है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पोल्यूशन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग माइनिंग सही है, MINING। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या कॉजेज हैं, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, माइनिंग, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाएँ तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पर पैदा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया के, क्या क्या क्लाइमेट जोन्स हैं इंडिया के। पहला है हमारा हॉट ड्राई जोन, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पर चार से पांच जोन की बात करेंगे। पहला क्या है हमारा हॉट ड्राई जोन, इट इज़ द लैंड इन बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 15 डिग्री टू 25 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेटर, ठीक है। मतलब ये जो लैंड है वो 15 डिग्री से 25 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, दोनों इक्वेटर के दोनों साइड में है, उसके बीच में है। सोलर रेडिएशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सोलर रेडिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब जो मैक्सिमम मीन टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एल्टीट्यूड इज नॉट ग्रेटर देन 500 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है। जो एल्टीट्यूड है वो मीन सी लेवल के ऊपर 500 मीटर के ऊपर नहीं है, एल्टीट्यूड इज नॉट ग्रेटर देन 500 मीटर अबव द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल के ऊपर 500 मीटर के ऊपर एल्टीट्यूड नहीं है। रेनफॉल इज स्कैंटी विच वेरीज फ्रॉम 50 to 150 mm, रेनफॉल बहुत कम होता है जो कि 50 से 50 mm है। स्काई बहुत क्लियर होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 10 से 50% के बीच में होती है, ठीक है। और डस्ट स्टॉर्म वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। विंड वेलोसिटी जो है यहाँ पर, विंड ब्लोइंग है, वो 25 से 30 km/h की रफ्तार चलती है। हाईली इनर्ट मटीरियल्स एज मड आर क्वाइट कॉमन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड आउटर वॉल्स आर वेरी थिक, जो आउटर वॉल्स होती है क्या होती है, काफ़ी थिक होती हैं। इनर कोर्टयार्ड्स आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय रूम्स एंड डीप वरामदा इज इज क्वाइट कॉमन, मतलब जो इनर कोर्टयार्ड्स होते हैं वो चारों तरफ से किसी सराउंडेड रहते हैं, रूम से सराउंडेड रहते हैं, और जो वरामदा होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी डीप होते हैं, मतलब डीप वरामदा में काफ़ी बड़े बड़े वरामदा होते हैं, ये नॉर्मल पाए जाते हैं। फ्लैट रूफ पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है काफ़ी कम होती है। स्टोर स्टेयर्स टॉयलेट सिमिलर रूम्स ऑफ लीस्ट ऑक्यूपेंसी आर टू बी प्लैंड ऑन वेस्ट वॉल में बी इंसुलेटेड। वार्म ह्यूमिड जोन में क्या है, तो इट इज़ द लैंड बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 5 degree to 10 degree ऑन इधर साइड ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के दोनों साइडों में जो लैटिट्यूड है वो 5 to 10 degree पाया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर होता है हमारा 25 to 37 degree होता है समर के अंदर, और 10 से 25 degree होता है विंटर के अंदर। जो RH होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 50 से 100% तक वेरी करती है। एल्टीट्यूड होता है जो कि 100 meters ज़्यादा नहीं होता, किसके ऊपर, मीन सी लेवल के ऊपर। विंड वेलोसिटीज काफ़ी कम होती हैं, काफ़ी शांत होती हैं। मंथली रेनफॉल भी 500 mm से ज़्यादा एक्सीड कभी कभार, मे एक्सीड कभी कभार कर सकती है, नहीं तो नहीं करेगी। मॉस्किटोज इंसेक्ट्स एलगाई एंड फंगी ग्रो रैपिडली ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि मॉइस्चर तो जल्दी से ग्रो करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी इज मोर अनप्लीजेंट एंड रिक्वायर नेचुरल एयर करंट्स फॉर कम्फर्ट एज ओपन डिटैच्ड हाउसेज विद मोर सीलिंग हाइट, ब्रॉड विंडोज, ग्रेटर एरिया ऑफ बालकोनीज एंड डीप बरामदाज विदाउट एनी क्लस्टरिंग ऑफ हाउस आर रिकमेंडेड। फिर हम बात करते हैं अभी कंपोजिट जोन की, इट इज़ द लैंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड नियर द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, मतलब ये जो है वो हमारे इक्वेटर से अलग होती है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होती है। इट इज़ वेरिएबल क्लाइमेट बींग वार्म वेट, ठीक है ना, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वेरिएबल करते रहता है। इन कोस्टल एरियाज और अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर ड्यूरिंग समर एंड हॉट ड्राई ड्यूरिंग विंटर, मतलब देखो यहाँ चेंज हो रहा है, देखो मैंने बोला है कि वार्म वेट कब होता है, कोस्टल एरिया में और अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर ड्यूरिंग समर एंड हॉट ड्राई ड्यूरिंग विंटर, तो वेरी गुड होता है। टेम्परेचर
40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है समर में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है विंटर में। लेटेंट ह्यूमिडिटी जो होती है वो 50% और 95% 50% और 95% बीच में होती है डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग। रेनफॉल जो है वो फ्लक्चुएशन में होता है, कहीं फ्लक्चुएशन करता है, ठीक है ना, बींग टू हैवी एट सम प्लेसेज एंड टू लो एट अदर प्लेसेज। डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स वेरिंग फ्रॉम डिटैच्ड हाउसेज, रो हाउसेज, स्काई स्क्रैपर्स एंड मल्टी स्टोरीड फ्लैट आर बिल्ट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स, अलग अलग टाइप के हाउसेज, रो हाउसेज, स्काई स्क्रैपर्स, मल्टी स्टोरीड फ्लैट, ये बनाए जाते हैं, डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। क्लस्टरिंग ऑफ हाउसेज क्वाइट कॉमन, मतलब आस जो जो हाउस होते हैं काफ़ी आस पास रहते हैं, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है। ग्रेटर विंडो एरिया इज प्रोवाइडेड इन ग्रीन इन जनरल्स, और बहुत सारा प्रोवाइड कराया जाता है विंडो एरिया। फिर कोल्ड जोन की बात करते हैं, इट इज़ अ लैंड टू द एक्सट्रीम नॉर्थ, ये जो लैंड होती है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में पाई जाती है। टेम्परेचर फॉल्स कंसिडरेबली विद एल्टीट्यूड, और जो डे टाइम टेम्परेचर है वो 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नाइट टाइम टेम्परेचर 0 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्टीट्यूड में भी ग्रेटर दैन 1200 मीटर अबव MCL। चिलिंग विंड्स आर क्वाइट कॉमन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 45 से 90% के बीच में होती है। रेनफॉल जो क्वाइट हैवी होता है, एंड क्लाउडी डेज आर मोर इन वन ईयर। ओरिएंटेशन के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर सन के लिए ओरिएंटेशन की बात की जाती है। पिच रूफ प्रोवाइड की जाती है क्योंकि यहाँ पर रेन क्या होती है, हैवी होती है। स्मॉल विंडोज ऑन लीवार्ड साइड एंड अलॉन्ग ईस्ट एंड वेस्ट साइड आर टू प्रोवाइड टू बी ओपन ओनली ड्यूरिंग डे टाइम टू रिसीव द सन। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड कोड ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द कंट्री में बी डिवाइडेड टू फाइव मैनी क्लाइमेट जोन्स। तो हॉट एंड ड्राई है जिसका मीन मंथली टेम्परेचर दिया हुआ है, RH दिया हुआ है, वार्म है, ह्यूमिड है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, कंपोजिट है। तो ये सारे जोन को डिवाइड किया गया है इंडिया के अंदर, बेसिकली 5 जोन डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस लेक्चर में ये बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंफर्ट कंडीशंस की। नेक्स्ट लेक्चर में टॉक अबाउट कंफर्ट कंडीशन। तो तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।